मेरे को ससुराल में डायन बोला था। अगर वास्तव में इसके पास पावर होती, सबसे पहले तो मम्मी उन्हीं लोगों को ही खा जाती। पांच ओझा था हमारा कहानी में, पांच ओझा ने कहा हाँ वो डाइन है। किसी का घर नहीं जाते, पेपर में निकलता है ना, पेपर पढ़ के हमारा घर में आ जाता है लोग। आज तक 165 महिला का हम जान बचाए। कितना दूर? डायन बिसाही और इस मुद्दे से जुड़े पहलुओं को टटोलते हुए हमारी झारखंड यात्रा के दौरान हम मिले पद्मश्री छुटनी महतो से। छुटनी महतो को 1995 में उनके ही गांव वालों ने, उनके ही पड़ोसियों ने डायन करार दे दिया। छुटनी के साथ मारपीट हुई, छुटनी को मैला पीने पर विवश किया गया और उन्हें अपने बच्चों के साथ अपनी जान बचाने के लिए रात के अंधेरे में घर छोड़कर भागना पड़ा। अपने उसी गांव से 12 किलोमीटर दूर छुटनी डायन बिसाही की प्रथा के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे। उम्र था मेरा 34 साल। मेरे को जैसे 2 सितंबर से स्टार्टिंग किया, 2 सितंबर से लेके घर से मेरे को घसाट करके ले जाता, उसका आंगन में ले करके पटक के मारता, लात मारता, मुंह में मारता, लाठी में मारता, फिर उस दिन छोड़ दिया, फिर और दूसरा दिन और लेके जा करके और मारता पीटता। महिला भी पिलाने के लिए वो लोग बहुत झट्टा पकड़ के ऐसा उल्टा दिया, महिला चाकू से रात देंगे बोल के, तो महिला का सेंड आया तो हम ऐसे पलटी होके सो गए, मेरा मुँह में नहीं गिरा, पूरा बदन में गया। तो लोग और पलान कर रहा है ये इतना सब किए, इसमें तो उसका डायन बिड्डा भ्रष्ट नहीं हुआ, इसको जिंदा नहीं रखेंगे। छुटनी महतो के साथ जो हुआ वो झारखंड के लिए नया नहीं था। छुटनी को डायन साबित करने, अत्याचार, दुर्व्यवहार और बहिष्कार के पूरे मामले ने वही रास्ता अपनाया जो झारखंड की डायन आरोपों की शिकार अन्य महिलाओं के साथ हुआ। छुटनी के घर अक्सर आने वाली एक लड़की बीमार पड़ गई थी और इस तरह शुरू हुआ छुटनी महतो को डायन घोषित करने का गंदा और खतरनाक खेल। मेरी माँ के साथ जो घटना घटी थी, हमारे गांव के ही मेरे बड़े पापा की एक बेटी का तबीयत बिगड़ गया था, वो बीमार पड़ी थी। उस बीमारी को मेरे बड़े पापा लोगों ने डॉक्टर के पास न ले जा करके उन लोगों ने ओझा गुनी को बुलाया और ओझा जब आए तो ओझा उस मरीज को देख करके बताया कि आपकी बेटी को कोई बीमारी नहीं है, आपकी बेटी को डायन बिद्दा लगा हुआ है जिसके कारण ये तड़प रही है। तो ओझा ने कहता है इसका तो ये है, किसका साथ इसका आना जाना है, तो वही मेरा ही ये दे दिया, नाम दे दिया, वही कौन घर का नो घर का लास्ट में वो चाची है, उसका 4 बच्चा है, एक बेटी है, 3 बेटा है, वही कह के तो बोला कि हम तो झाड़ फूँक कर देंगे, ठीक हो जाएगा। एक आदमी ने गांव का वो बता दिया छिप के दूर दूर होके, ये आज आपको रात में वो लोग काट के मैंने नदी में फेंक देगा। जिस दिन हमको जान का मैंने खतरा था उसी दिन हम रात 12 बजे भाग गए हैं, तो बाद में पता चला ना जो किस लिए ये लोग ये प्लान बनाया था। एक साल बाद पता चला किसी डॉक्टर के जरिए कि उस बच्ची को कोई बीमार नहीं थी, वो बच्ची हमारी बहन लगती है और वो बीमार नहीं बल्कि वो कुंवारी थी और वो प्रेग्नेंट थी। झारखंड की अक्सर सुनसान रातों में छुटनी अपने रिश्तेदारों के घर पहुंची और वहां से फिर अपने भाई के घर। उनके इस हालात पर छुटनी के भाई ने न सिर्फ उनकी आर्थिक मदद की थी बल्कि घर बनाने के लिए एक जमीन का टुकड़ा भी दिया था। छुटनी के साथ जो भी हो रहा था उसके पीछे सिर्फ एक बीमार लड़की का मामला नहीं था। छुटनी चाहती थी कि उनके बच्चे शिक्षित हों और पढ़ लिख कर कुछ बने। गांव वाला लोग मेरा बेटा, दोनों बेटा को, वही बड़ा बेटा, यही मझला बेटा, देख के हम स्कूल भेजें,
हम स्कूल पढ़ा रहे थे, हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हमारा बच्चा को पढ़ाएंगे तो हम सुन रहे हैं किसका बेटा मास्टर हो रहा है, किसका बेटा डॉक्टर हो रहा है, अगर नसीब में है तो मेरा बेटा भी होगा। तो गांव वाला लोगों का चीड़ यही आ रहा है, ये कहाँ इसके पास पैसा है, ये जरूर कुछ जादू टोना जानती होगी। अपने ऊपर हुए अत्याचारों से लड़ते हुए छुटनी महतो ने वर्ष 2001 में अपनी जैसी बाकी औरतें जो डायन आरोपों का शिकार हो रही थीं, उनकी मदद करने का फैसला लिया। छुटनी के घर पर हम मिले जुबा और दुखो मांझी से। दोनों की लव मैरिज हुई है और उनके दो बच्चे हैं, लेकिन सब बढ़िया होते हुए भी आज दोनों अपने घर से बाहर रहने को मजबूर हैं। छुटनी ने बताया कि कैसे दुखो मांझी काम के सिलसिले में गांव से बाहर निकले और एक फैक्ट्री में काम मिलने पर ज्यादा दिन फैक्ट्री में ही रहने लगे थे, लेकिन गांव वालों ने दुखो के बाहर रहने का कारण नौकरी और पैसा नहीं समझा, बल्कि इसके लिए जुबा को दोषी ठहराने लगे और ये कहने लगे कि जुबा जादू टोना करती है इसलिए उसका पति उसके साथ नहीं रहता। आप दोनों की लव मैरिज हुई है, प्यार पहले हुआ शादी बाद में हुआ? हाँ। अच्छा, कहाँ मिले आप दोनों एक दूसरे को? कंडरा में। कहाँ? कंडरा। कंडरा में। तो उधर क्या करने गए थे दोनों जन? कंडरा। आप कुछ काम करने गए थे? काम कर रहे थे। और ये दीदी? वो भी काम कर रहे थे। काम कर रहे थे तो उधर ही मिले। हाँ। तो फिर दोनों में प्यार हो गया, फिर शादी कर लिए। हाँ। आप यहाँ क्यों आई हैं? डाइन बोल से तो इतना असली। कौन बोला डाइन? गांव लोग घर में ड्यूटी कर रहे ना डेटे, उसे कह चल मैं दूसरा आदमी बोल रहा है बुखार हो रहा है, उसे कहता मैं बोल रहा है ये डाइन है ये है, उसका पति नहीं रहता अभी रात रात में रहने सक रहा है, डाइन है उसे कर रहे हैं, इन लोग मरने करने खोज रहा घर तक जा रहा है, तो कौन दिन कोई गारंटी नहीं है, मार कर के फेंक भी सकता है। तो इसमें जो जो लोग डायन बोले तो ये लोग प्रधान गांव का जो प्रधान होते हैं मुखिया लोग होते हैं, ये लोग उनको रोकते नहीं है? उन लोग तो रोकता है, गांव का पांच आदमी बैठा है और लिखा पढ़ी करता है, आज से इसको दोबारा डायन नहीं बोलेंगे। अभी और लिखा पढ़ी हो गया, दो तीन साल बाद में दूसरा आदमी और बोलेगा। छुटनी महतो अब तक लगभग 150 से ज़्यादा डायन पीड़ित महिलाओं की मदद कर चुकी हैं। छुटनी ने बताया कि उनके पास डायन पीड़ितों की शिकायतें अक्सर किसी के माध्यम से या खुद उन्हें समाचार के माध्यमों से मिलती हैं। हम किसी का घर नहीं जाते, पेपर में निकलता है ना, पेपर पढ़ के हमारा ऑफिस हमारा घर में आ जाता है, लोग हमारा यहाँ से वो लोग मदद लेता है। आप आए, आप मेरे को एक लिखित रूप से दिए तो हम आपका एक्शन लेंगे, तो लिखित का बाद में वो लोग को हम जो 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 लोग कहा है बिजनेस का नाम दिया है तो हम लोग का नाम से हम नोटिस भेजते हैं। जब शिक्षा का पूरी होगा, अब ओझा का जब सजा नहीं होगा, काज नहीं होगा, तो ये डाइन हत्या बंद नहीं होगा। मेरा ये कहने का है ताकि हम ये प्रार्थना कर रहे हैं सरकार थोड़ा ध्यान दे और प्रशासन थोड़ा वो लोगों को काद में ले। डाइन कुछ नहीं होता है, हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं हम अपना बदलाव लेने के लिए।